मैसूर के डी कृष्ण कुमार पिछले करीब 5 वर्षों से अपनी बुजुर्ग माता को स्कूटर पर मातृ सेवा संकल्प यात्रा करवा रहे हैं। अब तक वे भारत के अलावा नेपाल, भूटान और म्यांमार का भ्रमण कर चुके हैं। वर्ष 2015 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें पता चला कि उनकी मां ने एक भी तीर्थ यात्रा नहीं की है। अपनी मां की इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने वर्ष 2018 में अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर स्कूटर पर यह यात्रा शुरू की। वे अब तक लगभग 72,000 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर चंबा पहुँचे हैं। कृष्ण कुमार ने कहा कि उनकी ये यात्रा जारी है और वे इस युग में श्रवण कुमार जैसी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। दिया, इमीडिएट प्रायोरिटी दिया मेरी माताजी को लेकर सारा भारत, साथ ही साथ ही नेपाल, भूटान एंड म्यांमार भी इसी स्कूटर में। ये 20 साल के पहले मेरे पिताजी मुझको बेंट के रूप में दिया था ये स्कूटर, इसीलिए ये स्कूटर को खुद मेरा पिताजी मानकर, ये स्कूटर को मेरा पिताजी का प्रतिरूप मानकर इसी स्कूटर में मेरी माताजी को बिठाकर अभी तक 71,495 किलोमीटर सफर चुका हूँ, सफर कर रहा हूँ। 4 कंट्री घूम लिया है, सारा भारत, साथ ही साथ ही नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। इसी स्कूटर में मेरी माता जी को हर तीर्थ स्थान, हर मठ मंदिर, आश्रम, गुरुस्थान सभी मेरी माता जी को मैं दिखा रहा हूँ। मेरे पति के जमाने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी। इसलिए मेरे पति चल बसने के बाद मेरा बेटा एक ही है मुझे, वो उसको अपने साथ ही रखकर अच्छी तरह देख रहा है। बाहर का व्यवहार नहीं था पति समय में, पति के ज़माने में, इसलिए मेरा बेटा मुझे सारे देश को दिखाया है। भारत में कन्याकुमारी से काशी तक जितना पुण्य क्षेत्र है उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, मंदिरों का तीर्थ दर्शन करके मेरा जन्म सार्थक बनाया है।